नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्कशन कम्युनिटी कंपटीशन कम्युनिटी का एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुआयामी नवाचारी तरीके से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने जो CGPSC प्रिपरेशन है, CGPSC मेंस की जो प्रिपरेशन है, उसे एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्कशन कम्युनिटी पोर्टल पे दिया गया हर वो क्वेश्चन जो आपके किसी पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 7 हो, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वो संभावित प्रश्न भी हो सकता है। तो आइए हम उन प्रश्नों को देखें और उन प्रश्न से संबंधित अपने आंसर्स को लिखकर आप डिस्कशन कम्युनिटी में अपलोड करें, जिससे कि आप आपके आंसर्स के जेन्युइन और इम्पॉर्टेंट फीडबैक प्राप्त कर सकें और एक अच्छे मार्क्स या ज़्यादा इफेक्टिव आंसर राइटिंग की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, जैसे कि पूर्व के लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस दी जा चुकी है कि अच्छी आंसर राइटिंग कैसी करनी है और इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप पूर्व के लेक्चर्स को डेफिनेटली आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और ग्रेजुअली सभी सब्जेक्ट का एक स्ट्रांग प्रिपरेशन, एक अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी वीडियोस को आप देखें और रेगुलरली आप पूरे पार्टिसिपेट करें इसमें। अब दोस्तों, जब आपको आंसर राइटिंग की बात की जा रही है तो जैसे कि हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रकार की दिक्कतें आईं कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है, कितने लाइंस होते हैं, कितने मार्क्स में क्या होता है, समथिंग। तो आइए मैं थोड़ा डिस्प्ले भी कर देता हूँ कि आंसर शीट को, जिससे कि आप इसका एक प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर शीट, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको 30 शब्द लिखने होते हैं। तो 3 लाइन आपकी दी हुई है, तो पर लाइन को आप 10 वर्ड्स मान के चलें। इस प्रकार आगे देखेंगे आप, पूरे आंसर शीट इसमें दिख रही है, तो आप इसको देखें। और अच्छी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन कम्युनिटी के पोर्टल पे ये आंसर शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं और आंसर राइटिंग करके फाइनली इसे आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने आंसर का फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी आइए आंसर राइटिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा सीधा टॉपिक की ओर चलूँगा। तो जैसे कि आपको डिस्कशन कम्युनिटी में पूर्व में जो दिया गया था क्वेश्चन, जैव विविधता भाग 1 बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 में, तो बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 में जब देखते हैं तो कुछ संभावित प्रश्न वहाँ दिए गए थे। दोस्तों, आपको बता होगा कि अगर शेड्यूल आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। और वैसे आपको बता दूं कि जब आप पेपर 4 और भाग 3 को देखते हैं, पेपर 4 भाग 3 का मतलब ये है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पार्ट से मिलके बना है। तो उसमें जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी अपने आप में सिलेबस में काफ़ी दखल रखता है, काफ़ी असर रखता है। कहने का मतलब ये है कि आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे आपको टॉपिक दिखेंगे और डेफिनेटली यहाँ से छोटे टाइप के प्रश्न भी बनते हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी बनते हैं। चूँकि ये भाग 3 का पार्ट है, इसलिए 15 नंबर के क्वेश्चन भी संभावित हैं और डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा गया है, इस साल भी इसके आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर कि सबसे पहला आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैव विविधता से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, जैसे कि हम मोबाइल कोर्स में बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़े थे। डिटेल कहने का मतलब हम बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका वितरण क्षेत्र, उसके प्रकार और उसका मापन, उसकी प्रवणता, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का जो ओवरऑल जो है हॉट स्पॉट का जो वितरण है, जैसे भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, पूरे विश्व में ऐसे 35 हॉट स्पॉट हैं, तो उनका वितरण क्षेत्र भी हमने पढ़ रखा था। तो इस प्रकार इन 2 जो भाग में, बायोडाइवर्सिटी के 2 भाग में क्या क्या प्रश्न बन रहे थे, तो संभावित प्रश्न में पहला क्वेश्चन जैव विविधता की परिभाषा या जैव विविधता से क्या समझते हैं पूछा गया है। तो इसका उत्तर कई प्रकार से आप ले सकते हैं, चूँकि 30 शब्द है तो उसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, 30 शब्दों में सारगर्भित तरीके से लिखें। सामान्यतः बायोडाइवर्सिटी को पहले समझ लें, बायो का मतलब क्या होता है, बायोटिक पार्ट, जैविक पार्ट, दैट मीन्स अ एनिमल प्लस प्लांट प्लस माइक्रोबियल्स, जंतु प्लस वनस्पति प्लस सूक्ष्म जीव, ये तीनों मिलके क्या है, बायो बनाते हैं, यानी कि जैविक पार्ट बनाते हैं। अगर इसमें इन्वायरमेंट को शामिल कर दें तो
तो एनवायरमेंट इज नथिंग बट अ बायोटिक प्लस एबायोटिक पार्ट। जैविक और अजैविक भाग को ही हम क्या कह रहे हैं, हम पर्यावरण कह रहे हैं, जो आपस में इंटर रिलेशन रखता है उसे हम इकोलॉजी इकोसिस्टम के तौर पर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा को हम पढ़ें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों को पर्यावरण के साथ हम जैव विविधता के तौर पे जानते हैं या जैव विविधता के तौर पे गिना जाता है, एक सामान्य लाइन है। इसके बाद अगर जैसे हम इसे लिखते हैं तो हम इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी कई प्रकार की होती है, तो बायोडाइवर्सिटी आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता, यानी कि इनके तीन प्रकार ऐसे हो सकते हैं, तीन प्रकार को आप नाम लिख लीजिए। जैसे कि हमने कहा कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इको सिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, तो ये तीन इसके बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स हो गए। बट आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने कन्वेंशन कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कन्वेंशन हुआ है तो उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को आप लिखें तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। सीधा सीधा लिख दें, CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता अभी समय 1992 में हुआ था, या इसे इस प्रकार लिखें, वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता के लिए एक काफ़ी विशिष्ट परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है, और सीधा सीधा परिभाषा की ओर आ जाइए तो आपको पता होगा। देखिए, जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसे किस प्रकार, देखिए, तीन समस्त स्रोतों, चाहे वो इंटर रीजनल या अंतरक्षेत्रीय हो या वो टेरेस्ट्रियल हो, ओसनिक हो, या आप कोई भी ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, तो उनके जीवों के मध्य या उनके पारिस्थितिक तंत्र के मध्य जो भी अंतर या विविधता पाई जाती है, ये डेफिनेशन अपने आप में थोड़ा कठिन टाइप का लग रहा है, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड है, ये सीधा सीधा क्या है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन में ही परिभाषित की गई है, इसलिए मैं इसका उल्लेख करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आप इसे सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जंतुओं, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता से है, और यह आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक तंत्रीय जैव विविधता हो सकती है। तो इस प्रकार ये अपने आप में देखेंगे तो ये आपको सरल परिभाषा है। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है, ठीक है, सीधा सीधा आप ये लिख दें। अब रियो सम्मेलन में जैव विविधता के लिए निम्न परिभाषा दी गई थी, और फिर इस परिभाषा का आप उल्लेख करें। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न एक बार पढ़ लिए तो आप कभी भी लिख सकते हैं अगर आप इसके कॉन्सेप्ट जाने तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यदि आप जंतु और वनस्पति की विविधता देखते हैं, किसी क्षेत्र में आप मान लो किसी नेशनल पार्क घूमने गए तो नेशनल पार्क में बहुत सारे स्पीसीज मिल सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, तो जो डाइवर्सिटी दिखती है वो डाइवर्सिटी वो संरक्षित क्षेत्र में दिख रही है, तो वही तो जैव विविधता है। अब कहीं पर घनी हो सकती है, कहीं पर वह जो है कम घनी या विरल हो सकती है, यानी कि कहीं पर डेंस बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है, कहीं पर आप जो है लो डेंस या लोअर डेंस बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है। तो इस प्रकार ये बायोडाइवर्सिटी वाले से क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाए तो तीन चीज़ों का उल्लेख ज़रूर करें। पहला, बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग सिंपल लाइन में, तो तीन चीज़ें लिख लिए, प्लांट, एनिमल प्लस माइक्रोबियल्स, ठीक, ये पहला आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, उसे संबंधित कुछ स्पेसिफिक परिभाषा जैसे इस प्रकार दी गई है इसे आप लिख लें, और तीसरा कि उस टॉपिक यानी बायोडाइवर्सिटी को जो है जो विविधता है वो आनुवंशिक, प्रजाति और क्या हो सकती है आपकी पारिस्थितिक तंत्र जो विविधता हो सकती है, इस प्रकार ये लाइन लिख लें। हम यहाँ पे इसकी परिधि को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, परिधि क्रॉस तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप इलाबरेट करते या थोड़ा सा और विस्तारपूर्वक लिखते, शब्द सीमा के अकॉर्डिंगली आप लिखिए।
अगर आपको वैल्यूएडिशन और करना है तो आप लिखिए एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हॉट स्पॉट एंड होप स्पॉट का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ हॉट स्पॉट एंड होप स्पॉट। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो ये पूछू कि डायरेक्ट वर्ड से रिलेटेड है, सीधा सीधा एक टेक्निकल वर्ड है तो इसे आप उसी के अनुरूप लिखें। टेक्निकल वर्ड की अपनी अपनी टेक्निकलिटीज होती है, यानी कि विशिष्टता होती है, तो इसे आप लिखें। देखिए, ठीक है, देखिए अगर इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे या इस प्रश्न को अगर आप सही उत्तर लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार इसे लिखें। दोस्तों इस प्रश्न को अगर आपको लिखना है हॉट स्पॉट क्या है, तो हॉट स्पॉट जो है वास्तव में जैव विविधता का ही से निकला ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। और इसे समझिए कि जैव विविधता के लिए दो महत्वपूर्ण मापदंड डिसाइड किए गए थे, अगर वो दोनों मापदंड को पूरा कोई करता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाता है। इनके दो पैरामीटर्स क्या थे, एक इसकी जो है विविधता को प्रदर्शित करता है और दूसरा इसकी संवेदनशीलता, यानी कि एक इसकी डाइवर्सिटी को सीधा प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा इसकी जो सेंसिटिवनेस है उसको प्रदर्शित करता है। कैसे, देखिए उसमें लिखा गया है कि कम से कम किसी भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक क्या होना चाहिए, वास्कुलर प्लांट होना चाहिए, संवहनीय, और वो भी क्या है, स्थानिक यानी कि एंडेमिक। दो वर्ड देखिए यहाँ पे, कोई क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र में तभी गिना जाएगा जब वो दो महत्वपूर्ण मापदंड को पूरा करेगा, और यह बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, इसे याद रखिए। क्योंकि जब जो हॉट स्पॉट की जो संकल्पना जिन्होंने की थी, नॉर्मन मायर्स ने, उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती है, और डाइवर्सिटी मिलने के साथ साथ ही उनका जो हैबिटाट है यानी कि पर्यावास है वह भी काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें भी डाइवर्सिटी दिख रही है। तो उसके आधार पर उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को अगर आप चिन्हित करना चाह रहे हैं तो उसे दो महत्वपूर्ण मापदंडों को पालन करना होगा। तो पहला मापदंड क्या है, उस क्षेत्र में क्या है 1500 से अधिक वास्कुलर और एंडेमिक स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पीसीज होने चाहिए। मतलब यहाँ पे संवहनी का मतलब ऐसे प्लांट्स जो डेवलप्ड होते हैं जिसमें वास्कुलर बंडल या वास्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि संवहन बंडल जिसे या संवहन सिस्टम, जैसे कि जाइलम फ्लोएम के बारे में आप जानते हैं। तो जो छोटे लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो लीस डेवलप होता है, कम डेवलप होता है, लेकिन जब आप एक अच्छे प्लांट की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं जो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों होते हैं तो वो क्या है, बेसिकली क्या है, वहाँ पे वास्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। तो उस पे मत जाइए, सीधा सीधा क्या लिखिए, 1500 से अधिक संवहनी स्थानिक प्रजातियाँ होनी चाहिए। अब एक स्थानिक एक संवहनिक का मतलब क्या है, संवहनिक का एक कॉमन मतलब क्या है, वह प्लांट अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए। अच्छा डेवलप का मतलब उसमें क्या है, सभी प्रकार की क्या कहना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है उस प्लांट के अंदर, जैसे ज़्यादा ज़्यादा कोई प्लांट वास्कुलर सिस्टम है उसका डेवलप होता है तो प्लांट बड़ा होता है, या वो ज़्यादा आसानी से वहाँ सर्वाइव कर सकता है। और जो कम वास्कुलर जो सिस्टम डेवलप वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं या कम जो होते हैं विकसित होते हैं। तो यहाँ पे संवहनी का मतलब आप समझ गए। अब बात आती है स्थानिक, एंडेमिक का मतलब ये है कि इस कोई स्पीसीज एंडेमिक तब कहा जाता है जब वो किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता, यानी अ स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एरिया नॉट एनीवेयर एल्स, दूसरे और जगह वो नहीं मिलता, तो वह क्या है, आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र का एंडेमिक स्पीसीज हो गया, समझ गए। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्रजाति है वह यदि अन्य कहीं नहीं पाई जाती है तो उस क्षेत्र की वह क्या कहलाती है, स्थानिक स्पीसीज कहलाती है। तो यहाँ पे 1500 से अधिक संवहनी स्थानिक स्पीसीज होने चाहिए। और दूसरा,
कि उनके 70% से अधिक क्या है, प्राथमिक पर्यावास नष्ट हो चुकी हो, यानी कि वहाँ पे जो प्राइमरी हैबिटाट है या ओरिजिनल उनका हैबिटाट है वो नष्ट हो चुका हो। इसका दूसरा मतलब क्या है, 30% क्या है, अभी भी विलुप्ति के कगार पे हैं। 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ या प्राइमरी वेजिटेशन जो है वहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं, और 30% क्या है, इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, यानी कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो वो उसकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रही है। अब पूर्व में दिए गए दोनों शब्द को आप ध्यान रखिए, ये क्या कहलाता है, पहला डाइवर्सिटी को दिखाता है, दूसरा उसकी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिवनेस को प्रदर्शित करता है। तो वो दो चीज़ों को आप उल्लेख करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट इसका मतलब नहीं समझ पाते कि 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो ओरिजिनल हैबिटाट है, ओरिजिनल पर्यावास है, वास्तविक उनका पर्यावास है, वो नष्ट हो चुका है। और अगर ओरिजिनल पर्यावास नष्ट हो चुका है तो वो प्राथमिक, वो जो प्राइमरी जो स्टार्टिंग में उसके साथ उगे थे या उसके साथ डेवलप्ड हुए थे वो मर चुके हैं, और बचे हुए जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, यानी वो विलुप्त की कगार पे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों मापदंड जो पूरा करता है वही हॉट स्पॉट कहलाता है। भारत में ऐसे 4 हॉट स्पॉट हैं, आपको पता होगा। पहला क्या है, आप देखेंगे, आप जो इसका जो हॉट स्पॉट का, अगर आप चारों हॉट स्पॉट का नाम अगर लेना चाहें, भारत में ऐसे 4 हॉट स्पॉट हैं, आपको पता होगा उन 4 हॉट स्पॉट के बारे में, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा क्या है सुंडालैंड, और चौथा क्या है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जो चारों जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उस हॉट स्पॉट क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे एंडेमिक और वस्कुलर आपकी स्पीसीज दिख जाएंगे। उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ कुछ सेंसिटिव वाले कुछ केसेस मिलेंगे, जिसका यहाँ पे मैंने डिटेल बताया कि 70% से अधिक प्राथमिक पर्यावास नष्ट हो चुके होने चाहिए, जिससे कि 30% जो है विलुप्ति की कगार पे है, जो उसकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आप हॉटस्पॉट को समझिए। अब इसे दूसरे लैंग्वेज में सरल शब्दों में ऐसा लिखा जा सकता है कि कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र तभी कहा जाता है, या ऐसा लिखें, सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता की हॉटस्पॉट की संकल्पना रखी, और इस संकल्पना के अनुसार कि कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट तभी कहा जाएगा जब इन निम्न दो मानदंडों को पूरा करेगा। पहला कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 1500 से अधिक सवनी वस्कुलर और एंडेमिक यानी कि स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरा कि उस क्षेत्र में 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां एवं उनके ओरिजिनल हैबिटाट यानी कि वास्तविक पर्यावास नष्ट हो चुके हों, जिससे कि 30% जो है विलुप्ति के कगार पे आ जाएं, यानी कि वह क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील हो। तो वह क्षेत्र क्या है, आपका हॉटस्पॉट कहलाता है। अब इसमें आप भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, आप चारों का नाम लिख लीजिए, ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये चारों का नाम लिख लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है तो डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो। अब देखें यहाँ पे होप स्पॉट क्या है। होप स्पॉट का मतलब कि यदि यही जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, ओशन में पाई जाती है, तब इसे क्या कहेंगे, समुद्री जैव विविधता कहेंगे। और उसे ही क्या है, सर्वप्रथम एक अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर सल्विया अर्ल ने क्या कहा था, इसे समुद्री जैव विविधता को एक स्पेसिफिक नाम दिया था, उसे हम क्या कहते हैं, होप स्पॉट। यानी कि पता होगा कि समुद्र में भी जैव विविधता काफ़ी घनी होती है और संवेदनशील होती है। पहला वहाँ पे एस्चुरी वाला क्षेत्र होता है, मैंग्रोव वाला क्षेत्र होता है, कोरल रीफ वाला क्षेत्र होता है, एवं गहरे समुद्र में काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज भी पाए जाते हैं। सोचिए उन क्षेत्रों में हम जाके पर्यावरण क्षति करते हैं तो उनकी स्पीसीज प्रभावित होगी और वह क्षेत्र क्या है, अपने आप में नष्ट हो जाएगा। तो संवेदनशील तो है ही और विविधता भी पाई जा रही है। इस प्रकार आप होप स्पॉट को सीधा सीधा ये लिखें कि होप स्पॉट का सामान्य अर्थ समुद्री जैव विविधता से है। सर्वप्रथम
डॉक्टर सर्विया अर्ल ने समुद्र में पाई जाने वाली जैव विविधता जो कि एस्चुरी, मैंग्रोव, आपके जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ आप समझ रहे हैं, तो कोरल रीफ आदि से बनी होती हैं एवं बहुत सारी ऐसे जंतु एवं वनस्पतियों से मिलकर बनी होती है, उस क्षेत्र को संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की मदद से इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, होप स्पॉट कहते हैं। और होप स्पॉट जो है, अगर देखा जाए आज पूरे विश्व में लगभग 76 होप स्पॉट हैं, जिनमें लगभग 31 जो हैं भारत में होप स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे आप लिख लें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे इस प्रकार शब्दों में लिख सकते हैं। मैं इसको डिटेल में थोड़ा एलोबरेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसे आंसर लिख पाएँ। अब इसमें तीन जरूरी फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे इस प्रश्न में। पहला, होप स्पॉट का डायरेक्ट मीनिंग समझाइए। डायरेक्ट मीनिंग के बाद आप उनसे संबंधित जो दो मापदंड हैं उसका मतलब समझाइए। तीसरा, उससे रिलेटेड अपडेट का नाम बताया मैंने, तो होप स्पॉट हॉट स्पॉट में किसका नाम लिखेंगे, नॉर्मन मायर्स, और होप स्पॉट में किसका नाम लिखेंगे, आप डॉक्टर सर्विया अर्ल का नाम लिखेंगे। उसके बाद वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहें तो 76 टोटल हॉट होप स्पॉट हैं विश्व में और भारत में 31 ऐसे होप स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट की संख्या अगर बोला जाए तो विश्व में 35 हैं और भारत में 4 ऐसे हॉट स्पॉट हैं। ये समझ गए आप, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता किसे कहते हैं, व्हाट इज अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये प्रश्न क्या है, ये देख दोस्तों, आप इनके शब्द से ही आप जान सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे कि यह सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इसे इस प्रकार ही लिख लें, द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट अ डाइवर्सिटी विच इज फाउंड इन अ इकोलॉजिकल लेवल। पारिस्थितिक जैव विविधता क्या है, वास्तव में जो पारिस्थितिकी के स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता है उसे ही हम क्या है, पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है किसी निश्चित क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की इकोलॉजी, अलग अलग प्रकार की जो इकोसिस्टम पाई जाती है, जैसे कि उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश पे अलग अलग इकोसिस्टम पाई जाती है, तो उन इकोसिस्टम के अनुरूप जो है वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं उनमें जो डाइवर्सिटी मिलती है दैट इज़ अकॉर्ड अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखे हैं, इस प्रकार देखिए इसे, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि मान लो देखिए एक क्षेत्र, जैसे कि आप यहाँ पे आप अर्थ को देखते हैं, अर्थ में ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, इक्वेटर है। यहाँ के पार्ट क्या है, ये पोल्स हैं या ध्रुव हैं। तो इक्वेटर के पास में क्या है, सूर्य लाइट सीधी पड़ती है तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिली मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ, मतलब वहाँ बड़े बड़े वास्कुलर प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणों के अभाव में वहाँ पे बड़े वेजिटेशन या बड़ी वनस्पतियाँ डेवलप नहीं कर पाती, तो इस क्षेत्र का इकोसिस्टम अलग हुआ और इस क्षेत्र का इकोसिस्टम अलग हुआ। तो दोनों में भी प्लांट हैं लेकिन प्लांट यहाँ अलग हैं, यहाँ अलग है। The type of vegetation is different, type of species is different, so this is called a diversity. So when the diversity found in ecological level, this is called a ecological biodiversity. ये समझ गए आप, जैव या ecosystem या पारिस्थितिक जैव विविधता वास्तव में पारिस्थितिक तंत्रों के आधार पर पाई जाने वाली जैव विविधता है और यह जैव विविधता काफ़ी अलग होती है, विविधता ज़्यादा होती है इसमें। जैसे कि एक उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश में पाए जाने वाले जंतुओं एवं वनस्पतियों या सीधा उनके जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार ये लिख लें आप, ठीक है। अब उदाहरण कई तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे जैसे आप लिख लें कि अमेजन फॉरेस्ट
का एग्जांपल आप किसके साथ, एक रेगिस्तान वाले के साथ रिलेट कर लें, तो रेगिस्तान में क्या है, कैक्टस या नागफनी मिलता है, जबकि अमेजन फॉरेस्ट वही क्या है, काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वस्कुलर प्लांट्स या बड़े बड़े पौधों पेड़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये समझ गए तो इकोलॉजिकल लेवल पर ये बात आती है। अब इसमें जो आप दो नंबर के क्वेश्चन हैं, दो नंबर के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से समझता हूँ कि आप इतना लिख लें, उदाहरण भले थोड़ा समृद्ध तरीके से लिख लें, दो तीन उदाहरण आप लिख लें तो आसानी से आप समझ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो विविधता होती है, पारिस्थितिक तंत्र में जो विविधता होती है वह कई लेवल पर हो सकती है, केवल दिखने में मत जाइए। हम यहाँ पे दो स्पीशीज़ के मध्य तुलना किए थे, तो क्या आपने केवल उनके दिखने पे गए, नहीं, यहाँ पे दिखना तो अपने आप में एक है ही, बाहरी तौर से वो क्या दिख रहा है कि वो छोटा और बड़ा दिख रहा है, कि वहाँ छोटे वनस्पति मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप बहुत सारे डाइवर्सिटी देख सकते हैं, उनका जो पोषण चक्र है, न्यूट्रिशनल साइकिल है, उनका जो आपस में उनका जो फूड का टाइप है यानी कि खाद्य श्रृंखला है, वो सब चीज, ऊर्जा का प्रवाह है, ये सब चीज़ों में विविधता होती है। तो इकोलॉजिकल लेवल का कहने का मतलब वही है, समझ गए। तो इस प्रकार इन बातों से इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आनुवंशिक और प्रजाति जैव विविधता को समझाइए, एक्सप्लेन जेनेटिक एंड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों आनुवंशिक और प्रजाति जैव विविधता भी आसान है, इसे इस प्रकार समझिए, आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक और प्रजातीय, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए कि आपको पता होगा कि कोई भी जो स्पीसीज है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो सेल से या कोशिका से मिलकर बनी होती है। उस सेल के अंदर जाते हैं तो हम जीन लेवल पर जब पहुँचते हैं तो हमको पता चलता है, तो जीन इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे सरलतम इकाई है, ये हमको पता चलता है, ठीक है। वैसे तो आप सेल के बारे में काफ़ी पढ़ रखे हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक एवं आधार जो क्रियात्मक इकाई है वो सेल है, वो ठीक है, वो अपने आप में सही है। लेकिन जब उसके और अंदर चले जाते हैं तो जब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी जो कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब ये है, मैंने बताया था एक स्पीसीज ए है, एक जीव ए है, जब दो ए मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि बहुत सारे ए मिलके क्या है, पॉपुलेशन बना रहे हैं। समान प्रकार की प्रजाति किसका निर्माण करते हैं, प्रजाति या समान प्रकार के जो प्रजाति किसका निर्माण करते हैं, जनसंख्या या पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जो है 130 करोड़ आज भारत में है, तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही तो काउंट होते हैं ना, तो हमारी एक ही प्रजाति है। तो जब ए प्रकार की प्रजाति एक है तो बहुत सारे समान प्रकार की प्रजातियां आ जाती है, तो पॉपुलेशन होता है। अब जो एक और आगे चले जाते हैं तो ए ए टाइप का भी है, बी बी टाइप का भी है, सी सी टाइप का भी है, तो इस प्रकार क्या है, तीन प्रजातियां यहां दिख रही हैं, तीन प्रजातियां दिख रही हैं, मतलब ये तीन अलग अलग प्रजाति हैं और तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कम्युनिटी यानी समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो है प्रजातियों के, एक ही प्रजातियों के जीनों के मध्य जो होने वाली जो विविधता है, ध्यान से सुनिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्रजातियों के मध्य, ठीक है, पाई जाने वाली जो विविधता है वह क्या है, जब जीन लेवल पे, जीन स्तर पर आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप डॉग के बहुत सारे आप वैरायटीज देखते हैं, इधर जर्मन शेफर्ड देखिए, एक जो है जो आपको गली मोहल्ले में दिख जाता वो देख लिए, या कई तरीके से आप लैब्राडोर का एक स्पीसीज देख लिए, तो कुल मिला के आप बहुत सारे डॉग की ही जो है आप प्रजातियों को देख रहे हैं। प्रजाति उनकी एक ही है लेकिन उनके जो अलग अलग टाइप के, उनके जो बाहर का स्ट्रक्चर है या उनकी जो संरचना है वो देख पा रहे हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है दोस्तों, लेकिन उनकी जो संरचना अलग अलग है। ध्रुवीय भालू और टेरेस्ट्रियल भालू, स्थलीय भालू और ध्रुवीय भालू में क्या अंतर होता है, काला एक सफ़ेद होता है, ध्रुवीय भालू सफ़ेद होता है और स्थलीय भालू क्या, काला होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स के नंबर्स तो सेम है, बट उनमें जो अलग अलग
डाइवर्सिटी क्यों दिख रही है? बिकॉज ऑफ जीन। तो जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रजातियों के जीनों के मध्य जो विविधता पाई जाती है, जीन स्तर पर विविधता पाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं आपका आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। व्हेन द डाइवर्सिटी फाउंड इन द लेवल ऑफ अ जीन या जीनोमिक लेवल पे या जीन लेवल पे जब डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इसका उदाहरण आप लिख लें, पोलर बियर वाला आप लिख लें, चाहे डॉग वाला लिख लें, या खरगोश वाला या रैट वाला या कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें खास बात क्या ध्यान रखेंगे, एक ही प्रजाति का कंपेयर करना है, तभी क्या है उसमें जीन लेवल पे जो डिफरेंस है वो दिखा पाएंगे आप। ये क्लियर हो गया? अब बात आती है दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे वो क्या है आपका, कि जो प्रजाति जैव विविधता क्या है। अब आप कहाँ पहुँच गए बताए भैया, कि ए बी बी और सी सी टाइप के तीन प्रकार के, ऐसे हमने क्या देखा, तीन टाइप के यहाँ पे प्रजातियों को देखा, तीन प्रकार की स्पीसीज को देखा। अब ए बी से डिफरेंट है, बी सी से डिफरेंट है, सी डी से डिफरेंट है कि नहीं? तो किसी समुदाय में यानी कि किसी कम्युनिटी में या किसी एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, जो विविधता है, उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। समझ रहे हैं? समुदाय एक है, प्रजाति अलग अलग है। तो किसी पर्टिकुलर समुदाय में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर हम प्रजातियों की संख्या को बढ़ा देंगे क्या होगा, तो प्रजातीय विविधता बढ़ जाएगी, प्रजाति जैव विविधता बढ़ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, ये बड़ा क्षेत्र है ए बी सी डी ई टाइप का, तो यहाँ पे पांच प्रकार के यहाँ पे स्पीसीज हैं, पांच प्रकार की प्रजातियाँ हैं, तो उस क्षेत्र में जो है प्रजाति विविधता कितनी है, पांच है। अब इसका असर क्या होता है, यदि किसी क्षेत्र में प्रजाति विविधता बढ़ती है तो उसका असर किस पे होता है, सीधा सीधा फूड चेन पे होगा। उस क्षेत्र में जितना उपलब्ध भोजन है वो आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे, या अपने भोजन के लिए वो उनमें संघर्ष होगा, उनमें कंपटीशन होगा। तो प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र की जो है विविधता को प्रदर्शित इस मायने में भी करता है कि उस क्षेत्र में संख्या कितनी है, उपलब्धता कितनी है, या कह सकते हैं उस क्षेत्र में की जो समृद्धता यानी कि उस क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी को वो सीधा सीधा प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं? तो किसी क्षेत्र में प्रजाति जैव विविधता का मतलब उस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रजातियों की संख्या को भी उसके साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। समझ गए? तो शब्दों में आप दोनों को कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा मैं रिपीट करता हूँ, प्रजाति जैव विविधता का अर्थ यह होता है कि किसी समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, व्हेन द डाइवर्सिटी फाउंड इन अ स्पीसीज लेवल दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर कम्युनिटी देर आर ए बी सी डी ई टाइप ऑफ अ स्पीसीज आर अवेलेबल, सो ऑल स्पीसीज आर अ एग्जाम्पल ऑफ द वेराइटी ऑफ और डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड अ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पांच प्रकार की प्रजातियां हैं तो पांच प्रकार की यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी मिलेगी और उसे ही प्रजाति विविधता कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आप इसलिए लिखेंगे, आप अंतिम लाइन चाहें तो आप एक कॉमन लाइन लिख सकते हैं इन तीनों में, इसके पूर्व के प्रश्न में, आनुवंशिक जैव विविधता में, प्रजाति में, और आप देखेंगे इसमें जो इकोसिस्टम वाले में यानी कि पारिस्थितिक जैव विविधता में, तीनों में कॉमन लाइन लिख सकते हैं। जैव विविधता के लिए, जैव विविधता का जब भी हम को जब उसका मापन करते हैं या जब उसको जैव विविधता का जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण आधार होते हैं, उन आधार में से ये आनुवंशिक इकोसिस्टम वाला और प्रजाति विविधता होती है। क्या लिखेंगे, मैंने कहा कि जब जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है तो प्रजातीय, आनुवंशिक और पारिस्थितिक तंत्री जैव विविधता का को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। समझ गए? अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे,
जैव विविधता का महत्व लिखिए, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत महत्व में पूरा ऐसे लिखा जा सकता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो सकता है ये। अब इसे आप चाहें तो 8 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के साथ इस प्रकार समायोजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी पॉइंट्स अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता का मतलब मैंने क्या बताया था, बायोटिक फैक्टर, जिसमें कि एनिमल, प्लांट स्पीसीज और पर्यावरण, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो यदि हम किसी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वह क्षेत्र क्या है, ज़्यादा पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस वाला क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे फूड चेन, फूड वेव काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होगा, ज़्यादा वहाँ पे डेवलप्ड होगा, एक दूसरे के प्रति उनमें संघर्ष नहीं होगा, कॉम्पिटिशन कम होगा, आसानी से वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल या वो आसानी से अपनी लाइफ चला सकते हैं, लाइफ साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, पारिस्थितिक संतुलन अगर किसी क्षेत्र में है उसका सीधा सीधा मतलब यह है उस क्षेत्र में न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति है, पहला ये उद्देश्य मानेंगे, एक एंगल ये निकाल सकते हैं। दूसरा, उस क्षेत्र में जो संतुलन है उसके कारण उस क्षेत्र का जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक संतुलन को समृद्ध बनाता है कौन, बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, जलवायु संतुलन यानी कि क्लाइमेटिक बैलेंस के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सोचिए किसी क्षेत्र में लगातार क्या है, वनों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उस क्षेत्र में आने वाले समय में हो सकता है वर्षा की कमी हो, या उस क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो क्या है, बह के चले जाएंगे, या हो सकता है उस क्षेत्र की जो लैंड है वो काफ़ी जो है उनकी फर्टिलिटी कम हो सकती है। कहने का मतलब एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने लगता है, और जिससे कि उस एरिया में रहने वाले जो जो स्पीसीज हैं या जो हैबिटेट है वो नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये लिख सकते हैं आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व में बहुत कुछ लिखा जा सकता है दोस्तों। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, सीधा सीधा एक लाइन में पहले बता देता हूँ कि जैव विविधता में का जो एक महत्वपूर्ण महत्व के तौर पे हम आर्थिक महत्व, आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व को जोड़ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हनी बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी वास्तव में अगर उसका व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व देखा जाए तो कई बिलियन डॉलर में उनकी जो है योगदान होता है इकोनॉमी में। सो आप शौक रह जाएंगे, ऐसे ऐसे डेटा हैं जो हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं, पूर्व में प्रकाशित किए गए हैं, कि बिलियन डॉलर तक का उनका योगदान है। किसका, एक हनी बी का, कि वो हनी बी क्या करते हैं, वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। पहला तो वह क्या है, पॉलिनेशन यानी परागण में हेल्प करते हैं, जिससे कि फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ फैलने लगती हैं, उनकी जो है आप जो है आप उसका भी एक व्यापारिक एंगल हो सकता है। दूसरा, जब उसमें आप शहद निकालते हैं उसका भी मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो ये उसका व्यापारिक एंगल हो गया। हनी भी जिस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं वो अपने आप में वो काफ़ी दूरी वो ट्रेवल भी करते हैं, तो एक क्षेत्र की स्पीसीज़ को दूसरे क्षेत्र में स्पीसीज के लिए फैलाने का काम करते हैं, माने यानी कि कह सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी बढ़ाते हैं। यानी एक क्षेत्र में मान लो ए बी और सी तीन टाइप के जो स्पीसीज़ हैं, अब किसी दूरस्थ एरिया में उसका आप जो है बीज या उसके जो रिलेटेड जो कुछ ऐसे सीड्स को आप वो कैरी कर लेते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में वो ग्रो करने लगता है। तो आप उसका जो तीसरा एंगल ये देख सकते हैं, हनी भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यापारिक महत्व का एक अध्ययन का विषय है, और इसलिए मैं इस आर्थिक महत्व में इसे लिखना ज़रूर हर किसी को सजेस्ट करता हूँ। एक लाइन ये भी लिख लें, टेक्निकल वर्ड, हनी भी एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति का मतलब, की स्टोन स्पीसीज़ का मतलब, किसी क्षेत्र में अगर वो की स्टोन स्पीसीज़ पाया जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि उसकी थोड़ी सी भी अवेलेबिलिटी उस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और उस क्षेत्र को वह उसका बायोमास कितना कम क्यों ना हो लेकिन फिर भी उस क्षेत्र को वो अपना प्रभाव छोड़ के चली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप हनी बी के बारे में देखें। ठीक है, उसके बाद देखिए औषधीय महत्व, आप देखते हैं चाहे वो स्पीसीज कोई भी हो, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो,
किसी न किसी रूप में जो है मेडिसिंस के तौर पे आप जो है यूज़ कर पा रहे हैं वो कहाँ से लिया जाता है, इन्हीं प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण एंगल है। पर्यावरण एवं कृषि संतुलन के लिए सोचिए आप, हम अपने आप में क्या हैं, हम क्या हैं, ओमनीवोर्स में गिने जाते हैं, सर्वाहारी के तौर पे गिने जाते हैं कि हम एक वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेज भी हैं। यानी कि एक कॉमन अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए या सोची जाए तो क्या है, हम वास्तव में हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे यानी कि हर्बीवोर्स पे, जो प्रोड्यूसर पे उस पे हम निर्भर हैं, यानी कि जो उत्पादक है, सोचिए वो उत्पादक को हटा दिए तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। इस प्रकार पर्यावरण एवं कृषि संतुलन का मतलब क्या है, एक काफ़ी बड़े भाग को हम प्रभावित करते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसी क्षेत्र के पर्यावरण एवं कृषि संतुलन में काफ़ी मददगार होता है। अगर हम पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होते, कृषि नहीं करते या केवल कृषि करते, दोनों में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। केवल कृषि करते तो इन सब चीज़ों पर निर्भरता हम ख़त्म नहीं कर सकते, इन पर निर्भर होना ही पड़ेगा हमको। और केवल आप पर्यावरण पे भी आप निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको फूड चाहिए, आपको बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसे हम फुलफिल करते हैं। तो पर्यावरण कृषि संतुलन का आप लिखें। आपदा से बचाव, यदि पारिस्थितिक संतुलन है प्रॉपर तरीके से, यानी किसी क्षेत्र में बिना पर्यावरण क्षति वाला कोई क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में पर्यावरण आपदा जितनी भी आती है तो कहीं ना कहीं कमोबेश उन क्षेत्रों में जो आपदा से होने वाली हानि है वह कम होती है। जैसे कि अगर आप नदी के कटाव वाले क्षेत्र या नदी के मुहाने वाले क्षेत्र में अगर आप पेड़ को काट देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वह नदी चौड़ी हो जाए और हो सकता है वह बाद में आपदा का रूप ले ले। ठीक है, इस प्रकार ये देख सकते हैं। जैविक महत्व का एक अपना वैल्यू है, जितने भी रिसर्च होते हैं, जो बड़े लेवल के जो रिसर्च होते हैं एक्चुअल में ये स्पीसीज पे किए जाते हैं या स्पीसीज से रिलेटेड डायरेक्ट जो है रिसर्च किए जाते हैं, तो अपने आप में इसका भी काफ़ी महत्व है। तो इन जो पॉइंट्स हैं, अब मैंने देखा कि लगभग सात पॉइंट बताया, सात पॉइंट को अगर आप भी लिख दें तो आई थिंक इस प्रश्न को एक अच्छे लेवल पर आंसर राइटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक वृहद जैव विविधता राष्ट्र है, व्याख्या कीजिए। इंडिया इज़ अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन। ठीक है, यह क्वेश्चन विगत वर्ष आ चुका है तो इसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। आइए हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, जो पिछले वर्ष आपके CGPSE में इसमें पूछा भी जा चुका है, तो इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हैं लगभग बहुत ऐसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रश्न में काफ़ी अच्छे अंक मिल सकते हैं। यह प्रश्न इस साल के लिए भी संभावित इसलिए है क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी में जो बड़ा प्रश्न है, या तो एक भारत की जैव विविधता या ग्लोबल जैव विविधता, ये दो ऐसे बड़े प्रश्न बन सकते हैं 15 मार्क्स के, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए, भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, ये तो पता है आप सभी को। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी जो आवश्यक जलवायु है, जो समृद्धता यानी कि जो विविधता के लिए आवश्यक होता है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। और अगर इसमें देखते हैं तो भारत विश्व के शीर्ष 10 एवं एशिया में शीर्ष 4 जैव विविधता देशों में शामिल है। विश्व के 35 हॉट स्पॉट में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में मिलते हैं। उन 4 हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, ये पाए जाते हैं। और अगर इसमें हिमालय क्षेत्र को आप हटा देते हैं तो ये तीनों जो हैं विश्व के हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, जिनकी संख्या 8 है, उनमें से ये 3 शामिल हैं। कौन कौन सा? वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। तो अपने आप में ये भी काफ़ी एक ज़रूरी फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का मतलब
जैव विविधता का वह क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अत्यधिक सघनी है, यानी कि डेंस बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न घाट है, इट इज़ कंसीडर एज ए बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, विश्व के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आप क्या लिखें, सीज के 10 और एशिया में 4 प्रमुख देशों में है, विश्व के 35 हॉटस्पॉट में भारत का जो है 4 हॉटस्पॉट शामिल है और उनमें से 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में भी शुमार है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, उन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों का नाम आप लिख सकते हैं जो भूगोल में आप बहुत जनरल तरीके से आप पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे जो ऐसे जैव विविधता क्षेत्रों का उल्लेख करना प्रारंभ करें जो इसकी विविधता को प्रदर्शित करता है। तो जैसे नम भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया, तो पहले इनकी संख्या 27 थी और हाल ही में अभी जनवरी फरवरी में इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, बढ़ गई है, 10 और ऐड हो चुके हैं, जिनकी अब संख्या क्या है, टोटल 37 हो चुकी है। इसके बाद लेते हैं अगर संरक्षित क्षेत्र, जो जैव विविधता की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनका संरक्षण किया गया है, तो उनका नाम लिखें। जैसे कि आप देखते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व लिखें, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, अ सेंचुरी, अ टाइगर रिजर्व, ये सब बर्ड सेंचुरी सब आप लिखें, क्योंकि ये अपने आप में संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव जिनकी संख्या लगभग 39 आसपास है, कोरल रिफ जो विश्व के कुल जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, कोरल रिफ एरिया है, उसका 2% क्या है, इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख भी आप ज़रूर करें। साथ ही साथ यहाँ देख रहे होंगे आप समुद्री जैव विविधता छूट रही है, तो समुद्री जैव विविधता में हालांकि कोरल रिफ और यहाँ मैंग्रोव आया हुआ है, लेकिन ये वेटलैंड में गिराया था मैंग्रोव, तो कोरल रिफ को आप इसमें ऐड करें और समुद्री जैव विविधता का भी उल्लेख आप ज़रूर करें कि भारत का जो है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन वाला पार्ट जो अपने आप में क्या है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है ना, इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए एक महत्वपूर्ण विविधता को प्रदर्शित करता है, इसका उल्लेख भी आप करें। इसके बाद अगर देखते हैं प्रजातियों की संख्या, तो अगर IUCN के डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 91,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, उनमें लगभग 47 आसपास जो है हज़ार आसपास जो है प्लांट स्पीसीज मिलते हैं, बाकी सब सब एनिमल्स के मिलते हैं। तो इनकी संख्या, प्रजातियों की इतनी बड़ी संख्या अपने आप में विविधता को प्रदर्शित करती है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति होने के कारण यहाँ पे जो है डेसिडुअस प्रणव और आपके जो है पतझड़ पर्णपाती सभी टाइप के आपके कोनीफेरस वाले भी मिलते हैं, तो ये सब चीज़ों अलग अलग वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेटा का समावेश करें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस स्क्रीन में, तो विश्व की कुल जैव विविधता का 16.86% 16.86% विविधता भारत में मिलती है। इसका मतलब आप समझ गए कि इतना ह्यूज बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है इंडिया। अगर इसमें देखते हैं तो पश्चिमी वेस्टर्न घाट को ही लेते हैं तो उसके कुल एरिया का 64.95% क्लोज टू 65% जो है वो बायोडाइवर्सिटी डेंस एरिया है ना। आप देखते हैं हिमालय क्षेत्र में 44.37% और इंडो बर्मा 5.3% और सुंडर एंड 1.28%। ये क्या है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का उतना हिस्सा जो है बायोडाइवर्सिटी डेंस एरिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक पूरे भारत को अगर समाहित करते हुए देखेंगे, तो उत्तर पूर्व की विविधता 30%, पश्चिमी घाट 36%, 26% 26%, पूर्वी घाट 24%, पश्चिमी हिमालय 10%, मध्य भारत एवं गंगा के मैदान 9% और मरुस्थली भाग जो है वहाँ पे 1%। वन मरुस्थली भाग को भी जरूर ऐड करें क्योंकि वहाँ पे दूसरे टाइप की स्पीसीज मिलते हैं जो उस प्रकार के जो वातावरण में, उस प्रकार के पर्यावरण में रहने के अनुकूल है। जैसे आप एनिमल्स में देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप गिरगिट वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे वहाँ पे, है ना, तो कुछ जो जहरीले सांप वगैरह हैं वो सब चीज़ें वहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे अगर आप एनिमल के बाद अगर प्लांट को देखेंगे तो वहाँ कैक्टस वगैरह मिलेगा और कुछ ऐसे कम पानी वाले पौधे मिलते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि इन चीज़ों को आप समावेश करें और उसके बाद आप एक जनरल जो आप आंसर लिखते हैं, क्या आंसर लिखते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जो चारों तरफ से
ये कहाँ से गिरा है, इंडियन ओशन बे है, बंगाल और अरेबियन सी वगैरह, और ऊपर हिमालय है, हिमालय क्षेत्र में भी आप वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय कर लिए, और कुल मिला के वहाँ पर अगर लिखते हैं वो एक जनरल आपकी आंसर राइटिंग होगी। लेकिन ये बड़े ही टेक्निकल आंसर राइटिंग के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप प्योर इन्वायरमेंट को फोकस करते हुए ऐसे ज़रूरी फैक्ट्स और पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिखें तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स इसमें मिल ही जाएंगे। इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नया ऐड करना अगर ज़रूरी पड़े लास्ट में, तो आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं, सबसे पहले इसे मैं पूर्व के जो क्लास में बताया था वैसे ही आप करें, या तो 6-6 और 6 में डिवाइड कर लें तीन पैराग्राफ में, या तो 5-5 और 5 में कर लें, तो उसके बाद लास्ट जो है कंक्लूजन के तौर पे आप लिखें। तो उसमें जो ज़रूरी जो नए टाइप के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे हाल ही में कौन से नए रिपोर्ट सबमिट किए गए हैं, वेटलैंड, ठीक है, 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को जो है वेटलैंड से रिलेटेड कुछ नया रिपोर्ट डाला गया था। इसके बाद जो देखते हैं जैसे कि डॉल्फिन, जो उड़ीसा गवर्नमेंट डॉल्फिन के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है, वो देख रहे हैं आप, है ना, उसमें चिल्का वाले लेक में कुछ संख्या बढ़ी है, कुछ क्षेत्र में कमी पाई गई, वो दिया गया है। बर्ड, जो वेटलैंड एरिया में जो बर्ड्स होते हैं, जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, तो इस बार क्या है आप देखेंगे जो माइग्रेटरी स्पीसीज पे जो कन्वेंशन हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो उसका रिपोर्ट का भी उल्लेख आप ज़रूर कर लें। तो इस प्रकार भारत एक समृद्ध एक मेगा बायोडायवर्सिटी के तौर पर आप क्या है रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ऑन पेपर विथ डेटा विथ फैक्ट्स, इतने ज़रूरी फैक्ट्स यहाँ पे हम देते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है अपने आप में काफ़ी जो है रिच कहलाएगा। आई होप इन सभी प्रश्नों का आप अर्थ और आंसर राइटिंग का जो स्ट्रैटेजी है या आंसर राइटिंग का जो तरीका है आप उसको उसके अनुसार आप ढाल पाएंगे। आई मीन कि आप आंसर राइटिंग जब करेंगे तो इन ज़रूरी फैक्ट्स के साथ आंसर राइटिंग करेंगे, और जल्दी से जल्दी आप इन बातों को लिखते हुए फिर से आप अगर जो स्टूडेंट नहीं किए हैं ज़रूर लिख के भेजिए, डेफिनेटली हम आपको क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली हम इम्पॉर्टेंट फीडबैक के साथ आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपको आपके आंसर राइटिंग का वो लेवल है या ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से अपडेट के तौर पर मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास हम इतना रखते हैं, कल हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी का भाग 2 पार्ट, जो कुछ और जरूरी एवं महत्वपूर्ण पार्ट के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।